समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे पारसनाथ यादव का निधन हो गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री और जौनपुर के मलहनी सीट से कई बार विधायक रहे पारसनाथ यादव 71 साल के थे। ब्लड कैंसर से पीड़ित पारसनाथ यादव का नाम समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार होता था। पारसनाथ यादव के निधन से उनके शुभ चिंतकों और समाजवादी पार्टी में शोक की लहर दौड़ गई। पारसनाथ यादव के निधन पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने भी अपने राजनीतिक दिनों के साथी के निधन पर शोक व्यक्त किया। पार्टी का मान तो अपनी जगह सत्य है, ध्रुव सत्य है, लेकिन इस जनपद का एक युग पुरुष समाप्त हो गया, युग का अंत हो गया और हम लोगों के जनपद के लिए बहुत पीछे, इसकी भरपाई होना मुश्किल है। भगवान भले कोई आएगा भी मत रहे, लेकिन जिस तरह से वो जनपद के राजनीति में बैलेंस करके पक्ष विपक्ष सब मिला जुला के चलाते थे, वह एक बहुत बड़ी आवाज़, बहुत बड़ी शक्ति आज हमारे बीच नहीं रही है। हमारे जनपद का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, पार्टी का हुआ ही है, समाजवादी आंदोलन का भी हुआ है, और इस नुकसान की भरपाई भगवान करें कोई और मुसीबत बन के पैदा हो, लेकिन हमको नहीं लगता कि पारसनाथ यादव के निधन की खबर लोगों का हुजूम श्रद्धांजलि देने उमड़ पड़ा। भीड़ देख जिला प्रशासन को सुरक्षा का प्रबंध करना पड़ा। उनका अंतिम संस्कार वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर होगा। आपको बता दें कि पारसनाथ यादव ने जौनपुर शहर स्थित आवास पर 1:15 बजे अंतिम सांस ली। वो 3 बार मंत्री, 2 बार सांसद और 7 बार विधायक रहे हैं। वहीं पारसनाथ यादव को पूर्वांचल का मिनी मुख्यमंत्री भी कहा जाता था। पंजाब केसरी टीवी के लिए जौनपुर से जावेद अहमद की रिपोर्ट।